हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास टेंथ की फुट प्रिंट्स विदाउट बुक का चैप्टर नंबर सिक्स करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है रिचार्ड ई ब्राइट हैज द अवार्ड एंड द स्केयरिंग प्लॉग अवार्ड फॉर बायो एंड मोलिकुलर बायोलॉजी रिचार्ड ई ब्राइट को ये अवार्ड्स मिले थे द सर्स्कुलर अवार्ड एंड स्केयरिंग प्लॉग अवार्ड किसमें बायो केमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में

अब यहाँ पे एक फॉर्मर है कोई साइंटिस्ट होगा जो कि ट्वेंटी टू का है और उसे स्काउट ऑफ द ईयर मतलब है, उसे अवॉर्ड मिला है उसने थ्योरी दी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं रिचार्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम में एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसिडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये एक अकेडमी का नाम है जो रिचार्ड एच ई ब्राइट है और उसका जो कॉलेज रूममेट है उन्होंने उस थ्योरी को आर्टिकल में लिख दिया और कहाँ भेजा उस एकेडमी में इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट और ये पहली बार था कि जो ये अकेडमी थी इसने फर्स्ट टाइम इस बच्चों के मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके आर्टिकल को पब्लिश किया वरना ये पॉपुलर पॉपुलर लोगों के ही पब्लिश करते थे जैसे कि कोई साइंटिस्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स मैन इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग ऑफ द बिग लेग एट द एज ऑफ फिफ्टीन एंड द हिटिंग होम रन आर फर्स्ट टाइम एट बेड। और ये हमारे लिए कैसी थी जैसे तो क्रिकेट में एक बिग लेग होती है उसकी तरह है, और मैं कितने साल का था सिर्फ पंद्रह साल का और कैसे कर लिया था हमने हिटिंग अ होम रन होम रन क्या होता है जो बेस बॉल होती है ना उसमें हम रन कर रन लेते हैं जब हमारी बेस बॉल ग्राउंड से बाहर चल जाती है उसको बोलते हैं वो उसकी तरह था बिल्कुल फॉर रिचार्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्टेयरिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड और ये रिचार्ड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस में और दूसरी फील्ड्स में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसकी बटरफ्लाई से क्योंकि उसको बटरफ्लाई कलेक्ट करना बहुत शौक था और वहीं से वो साइंस की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया एन ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसल वेनिया वेनिया एक जगह है और ये भी एक जगह है वहीं पर वेनिया में नॉर्थ ऑफ रीडिंग वहीं पे इब्राइट बड़ा हुआ था और वो एक अपने माँ बाप के इकलौता चाइल्ड था देर वॉज मच आई कुड डू देना कुछ ज्यादा खास नहीं था कुछ करने को कहा प्ले फुटबॉल बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन और मैं वहां पे फुटबॉल भी नहीं खेलता था और बेसबॉल भी नहीं खेलता था इतना बट देर वॉज वन थिंग लेकिन वहां पर मैं एक काम तो जरूर करता था कलेक्ट थिंग वह चीजें कलेक्ट करता था क्या क्या कलेक्ट करता था सो ही डिड वह करता था और वह हमेशा करता था बिगनिंग इन किंडरग्राइटन ई ब्राइट कलेक्ट बटरफ्लाइज़ विद द सेम डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में किंडरगार्टन गार्टन में इब्राइट e. ने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वह बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ करता था उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता था वो बटरफ्लाइज की तरफ ही ऑल्सो कलेक्ट रॉक्स और वो रॉक्स भी कलेक्ट करता था भी भी। और coins भी. He became an eager astronomer. और अब वो क्या बन चुका था एक ईगर एस्ट्रोनोमर मतलब एक एस्ट्रोनोमर उसको बनने का शौक सा लग गया था एस्ट्रोनोमर क्या होता है जो रात को तारे होते हैं ना उनके ऊपर कोई काम करते हैं ना उनको बोलते हैं एस्ट्रोनोमर टू समाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट और कभी कभी तो वो सारी रात स्टारो को देखता ही रह जाता था फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियसिटी अलोंग विद द ब्राइट माइंड ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग वो जो ई ब्राइट था वो अच्छा बच्चा तो था पढ़ने में इंटेलिजेंट तो था लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो हमेशा उसे इनकरेज करती रहती थी हमेशा उसे इंटरेस्ट में उसकी तरफ इनकरेज करती रहती थी शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स और वो उसे ट्रिप्स पे भी ले जाती थी और उसके लिए क्या क्या लाती थी देखिए बॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमराज माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज जो उसकी मम्मी थी उसे क्या कर ला कर देती थी टेलीस्कोप टेलीस्कोप क्या होता है जिससे हम दूर की चीजें देखते हैं जैसे हम तारे देखते हैं ना तो टेलीस्कोप से देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है जो हम छोटी छोटी चीजों को बढ़ा करके देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप कैमराज तो आपको पता ही होगा जिससे हम तस्वीरें लेते हैं और माउंटिंग मटेरियल ये सारी चीजें उनकी मम्मी ने लाकर देती थी और उसे हेल्प भी करती थी अलग अलग तरह उसे आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल अब जो रिचार्ड की मम्मी है वो बोल रही हैं कि सिर्फ मैं ही थी उसकी साथी जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था इन सब कामों में जब वो काम करता था तो इन सारे कामों में सिर्फ उसकी मम्मी ही उसकी एक थी मतलब उसकी साथी थी

मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा था क्योंकि जो उसके पापा थे वो थर्ड ग्रेड में ही मर चुके थे और एक वही ऐसा बच्चा था जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि और कोई तो उनकी लाइफ में इंसान था भी नहीं और कोई बच्चा तो उनके पास था ही नहीं सिवाय रिचि के शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल और जो उसकी माँ थी और रिचि थी वो हम अपनी हर शाम डाइनिंग रूम टेबल पे ही बिताते थे इफ ही डिट हैिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स और अगर रिची के पास पास कुछ काम नहीं होता था ना, तो मैं उसके लिए कोई काम ढूंढ कर देती थी और वो वो काम सिर्फ कोई फिजिकल वर्क नहीं होता था उससे वो बहुत सारी चीजें सीखता भी था ये कौन बोल रहा है? उसकी माँ रिचि की माँ ही लाइक डिट और उसे पसंद भी आता था और वो चाहता भी था उन्हें लर्न करना मतलब उन्हें सीखना एंड लर्न ही डिड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल और रिचि उन चीजों को सीख कर अपने स्कूल में टॉप ग्रेड मतलब हमेशा टॉप ग्रेड मार्क्स लाता था ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स वैसे तो वो और बच्चों की तरह ही था कोई डिफरेंट नहीं था कौन कह रहा है उसकी माँ बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड और एक बार की बात है कि जब वो सेकेंड ग्रेड में था इब्राइट हैड कलेक्टेड ओल्ड ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। और एक बार की बात है कि जो रिची है ना उसने अपने होम टाउन के आसपास कितनी स्पीशीज कलेक्ट की थी बटरफ्लाइज की ट्वेंटी फाइव कितनी स्पीशीज ट्वेंटी फाइव स्पीशीज मतलब उसने पच्चीस तरह की अलग अलग बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी ये देखो इस टेबल में दिया गया है कौन सी कौन सी उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी प्रोबेबली हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग है रिची वो क्या कह रहे हैं शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरे लिए अब इतना ही मैं कलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरे लिए एंड होगा कि मैंने इतनी सारी कलेक्ट कर ली बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक बुक दी बच्चों की बुक जिसमें क्या लिख जो कौन क्या नाम था उस बुक का द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स दैट बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर अब यहाँ पे माइग्रेट का मतलब जानेंगे पहले हम माइग्रेट मतलब होना है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना अब जो रिची की माने द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क ला के दी थी उसमें क्या लिखा था उस बुक में क्या लिखा था मोनार्क क्या है एक बटरफ्लाई के स्पीशीज है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये एक स्पीशीज है की ये माइग्रेट होती थी कहाँ कहा जाती थी और ये सेंट्रल अमेरिका तो वो ये सोच रहा था कि बटरफ्लाईज इतनी दूर तक जाती हैं और इस चीज को सोचकर जो रिची था उसके दिमाग में वर्ल्ड ऑफ साइंस खुल गया और वह उसके मन में आने लगा कि अब वो साइंस फील्ड की तरफ जाएगा एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन और जो वो बुक थी उसके लास्ट में क्या लिखा था कि जो रीडर्स हैं वो भी इन्वाइटेड किस में जो बटरफ्लाई के ऊपर स्टडी किया जा रहा है जो बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर स्टडी किया जा रहा है उसमें वो काम मतलब उसमें वो स्टडी कर सकते हैं दे वर आज टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च टैग मतलब कि वो मतलब बटरफ्लाई पे कुछ चिपका सकते हैं कोई कागज वगैरह लगा सकते हैं और ये किसने बोला था डॉक्टर फ्रीडरिक ने डॉक्टर फ्रीडरिक ए आर आर क्यू क्यू ए हर्ड भी नाम है जो कि कहाँ का है वो यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो का है जहाँ पे कहाँ पे है और ये यूनिवर्सिटी कैनेडा में इब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर आरक्यूहड जो इब्राइट्स e. की मम्मी है वो उन्हें लिखती है एंड सुन और जल्द ही क्या है 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 अभी बताया था जो butterflies की species है। जो की वो कुछ लेके आता और उनपे लगा देता है फाउंड इवन हुए बटरफ्लाई वॉज आस्ट टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर क्यू हार्ट और जो जिसे भी वो टैग मिलेगा जिसे भी वो बटरफ्लाई टैग बटरफ्लाई मिलेगी वो डॉक्टर आर हेड को दे देगा द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक इन लेट समर ये जो रीडिंग है ये हमने पहले भी पढ़ा था ये रीडिंग पढ़ने वाला रीडिंग नहीं है ये जगह का नाम है नॉर्थ ऑफ रीडिंग ऊपर जब हमने पढ़ा था जो ये अब क्या बोल रही है द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग जो रीडिंग में बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो सिक्स वीक्स तक चला लेट समर में सिक्स वीक्स मतलब डेढ़ महीना इफ वी आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन यूटी मैनी अगर, हम एक, अगर हम उसे एक एक दिन गिने, तो हम उसे नहीं पकड़ सकते ने so, था वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई अब वो क्या क्या करने वाला था कि जो बटरफ्लाई थी ना वो खुद उनको रेज करने वाला था मतलब वो खुद बढ़ते हुए उन्हें देखना चाहता था ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क अब वो उसने एक फीमेल मोनार्क ले ली उसने पकड़ ली टेक हर एग्स उसने उसके अंडे ले लिए एंड हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल और उसने उसको पकड़ के उसके अंडे लेकर अपने बेसमेंट में रख दिए अब वो उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखना चाहता था अब देखिए उसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है फ्रॉम एक्स टू कैटापिलर अब वो अंडो से किस में बदल गई कैटापिलर में और कैटापिलर से किस में बदल गई वो

कि डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट होने लगी थी हजारों सा, कई सारी मोनार्क्स की और कुछ सालों तक इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज और अब जो रिचार्ड था उसका इंटरेस्ट उसमें खत्म होने लगा क्यों खत्म होने लगा इट्स टेडियस टेडियस मतलब क्या होता है कि वो बहुत टाइम टेकिंग था

जहां से मैं रहता था ना वहां से माइल्स तक ही गई होंगी उससे ज्यादा नहीं गई होंगी क्योंकि उसने क्या पढ़ा था जो मोनाक्स थी वो कहाँ तक गई थी सेंट्रल अमेरिका तक और इसमें क्या कह रहा है ये सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स तक ही गई होंगी देन इन द सेवेंथ ग्रेड अब जो रिचर्ड है वो कौन सी क्लास में है सेवेंथ ग्रेड में ही गोट हिंट ऑफ दैट रियल साइंस इज वेन काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट अब जो काउंटी साइंस फेयर वहाँ पे एक प्रोग्राम था उसने पार्टिसिपेट किया उसमें और वो हार जाता है इट वॉज सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नोट गेट एनी थी बडी एज वो समिंग ए ब्राइट सेड अब इब्राइट क्या कह रहा है कि जब उसने उसमें पार्ट लिया तो वो हार जाता है और ये उसके लिए बहुत बुरी ही सी फीलिंग होती है वो वहां पे बैठकर देख रहा होता है कि सब कुछ को कुछ ना कुछ मिल रहा है और इब्राइट को कोई अवार्ड नहीं मिल रहा हिज एंट्री वॉस्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज और जो उसने पार्टिसिपेट किया था ना उसमें उसने उसमें फ्रॉक टिश्यूज़ दिखाए थे कुछ विच ही शोज अंडर अ माइक्रोस्कोप और उसने फ्रॉक टिश्यूज किस में दिखाए थे माइक्रोस्कोप से ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिम्पली मेक अ नीट डिस्प्ले उससे क्या होता है फील कि जो फर्स्ट आया था ना उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया है ना कि कुछ ऐसे ही दिखा दिया already the competitive spirit that drives richard ebright was appearing i knew that for the next year's fair i would have to do real experiment ab richard ko pata chal gaya hai ki richard ke andar ek nayi spirit aa gayi hai ek nayi lagan aa gayi hai ki ab use next fair mein kuch real karna hai na ki kuch डिस्प्ले करना है एक ek real experiment करेगा वो the subject i knew most about was the insect work i i did been आई हैड बी डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स और अब वो रिचार्ड क्या कह रहे हैं कि अब वो किस पे करेगा जो वो एक्सपेरिमेंट करेगा इंसेक्ट्स पे कीड़े मकौड़े पे ही करेगा क्योंकि उसको उसी चीज की नॉलेज है पिछले कुछ सालों से सो ही रोड टू डॉक्टर आर क्यू हार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम टू स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स अब जो रिचार्ड है उसने डॉक्टर आरक्यू हार्ड से आइडियाज मांगे हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए और आरक्यू हेड ने स्टैक ऑफ सजेशन स्टैक ऑफ सजेशन मतलब ढेर सारी सजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए बता दी हैं दोस कैप्ट इब्राइट बिजी ऑल्दो हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटेंट इंटरनेशनल साइंस फेयर्स और जो वो एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर आरक्यू हर्ट ने बताए हैं वो एब्राइट e. को हमेशा मतलब इब्राइट e. वही एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है वो उन्हीं में बिजी है अपने हाई स्कूल के टाइम और वो एक्सपेरिमेंट्स करके इब्राइट ने प्राइज भी जीत लिया है किसमें काउंटियन इंटरनेशनल साइंस फेयर में फॉर हिज ग्रेड अब जब हिस्स एट्स क्लास में होता है तो क्या करते हैं देखिए इब्राइट ट्राई टू फाइंड द दॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्ज कैटरपिलर्स एवरी फ्यू फ्यूर्स अब इब्राइट क्या ट्राई करता है वह यह ट्राई करते हैं वो क्या फाइंड करने की कोशिश करता है कि जो मोनार्ज कैटरपिलर है जो हर साल मरती जा रही हैं वो किस वायरल डिजीज से मर रही हैं। इब्राइट थॉट उसे बोलते हैं। तो इब्राइट को क्या लगता है कि जो वो डिजीज है जो वायरल डिजीज है जिससे मोनार्च मर रही हैं, वो एक कीड़े की वजह से हो रही है ही ट्राइड रेजिंग टपिल्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स अब वो क्या करता है कि वो वहाँ पे जो बीटल्स होते हैं जो वो कीड़े होते हैं उनके प्रेजेंस में उन को बढ़ाने की कोशिश करता है I didn't get any real results. और अभी कौन बोल रहा है रहे हैं कोई भी रिजल्ट नहीं मिला बट आई वेंट आई हेड एंड शो दैट आई है एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वोट लेकिन वही एक्सपेरिमेंट रिचार्ड ने उस प्रोजेक्ट उस जो साइंस फेयर हो रहा था उसमें दिखाया और वो उसमें जीत जाता है द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग दैट विसरो बटरफ्लाइज कॉपी अब जो नेक्स्ट ईयर का साइंस फेयर था उसमें इब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था कि वो एक थ्योरी टेस्ट करेगा कि जो विसरो विसरो बटरफ्लाई की स्पीशीज है बटरफ्लाई जैसे मोनार्क है ना ऐसे ही विसरोय बटरफ्लाइज हैं वो उनको कॉपी क्यों करती हैं कौन कॉपी करती है विसरोय मोनार्क को कॉपी क्यों करती है द थ्योरी वॉज दैट विसरोय इज लुक लाइक मोनार्ज बिकॉज मोनार्ज डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स और इस थ्योरी में क्या था कि जो विसरोय थी जो विसरोय बटरफ्लाई थी वो मोनार्क की तरह बनना चाहती थी और वो क्यों बनना चाहती थी उसकी तरह क्यों दिखना चाहती थी क्योंकि जो बर्ड्स थी वो मोनाज को नहीं खाती थी क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती थी विसरोइज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड और जो विसरोइज थी वो बर्ड्स को बहुत पसंद थी वो टेस्ट में बहुत अच्छी थी और बर्ड्स उन्हें खा जाती थी सो द मोर दे लुक लाइक मोनाज इसीलिए वो मोनाज की तरह दिखना चाहती थी कौन विसरोय बटरफ्लाइज द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर और अगर वो मोनाज की तरह दिखेंगी तो बर्ड्स उन्हें कम खाएंगी इब्राइट्स प्रोजेक्ट वोस टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाज और अब इब्राइट का यही प्रोजेक्ट था कि वो उन्हें देखेगा विसरो बटरफ्लाइज़ को मोनाज की कि वो बर्ड्स उन्हें खाती हैं या नहीं फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड स्टारलिंग क्या है? है उसको बोला गया है अब उसने क्या देखा कि जो स्टारलिंग है वो कोई ऑर्डनरी बर्ड मतलब ऑर्डनरी फूड नहीं खा रही वो क्या खा रही है इट वुड ईड ऑल द मोनार्स इट कुड गेट और वो सारी मोनार्स ही खा रही है जो इसके जो विसरोज बनना चाहती थी ना वो उसी को खा रही है मोनार्स को ही खा रही है ई सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट विसरोज प्रोबेबली टू गोपी द मोनार्च इब्राइट क्या कह रहा है कि कुछ दिनों बाद तो हुआ था ऐसा कि जो विसरॉयज थी वो मोनाज को कॉपी कर ही रही थी दिस प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है वो प्लेसड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर और ये प्रोजेक्ट जो था किसमें दिखाया गया था जुलोज़ी डिवीजन में इसने फर्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आया था इब्राइट और थर्ड आया था किसमें साइंस फेयर में अब क्या होता है इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल रिचार्ड इब्राइट बिगन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन अब जब रिचार्ड सेकंड ईयर में आ गए तो उन्होंने क्या किया किस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कोई भी अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पे उनकी डिस्कवरी अब स्टार्ट हो चुकी थी इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स और इनडायरेक्टली बोले तो यही जो इनकी नई थ्योरी थी वो किस पे थी लाइफ ऑफ सेल्स पे क्वेश्चन इज द ट्वेल्व टाइनिकोल्ड स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्च प्यूपा मोनार्च प्यूपा तो पता ही है प्यूपा कब होता है जब बटरफ्लाई बन रही होती है तो उसकी सेकेंड स्टेज अब वो क्या कह रहे हैं जो मोनार्च प्यूपा के टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स हैं वो किस चीज के लिए एवरी वन एज द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल सबको क्या लगता था कि जो स्पोर्ट्स है सिर्फ ऑर्नामेंटल के लिए मतलब सुंदर दिखने के लिए वो सिर्फ सजावट के लिए ताकि वो सुंदर दिखे इ ब्राइट सेड बट डॉक्टर आरक्यू हट डिडन्ट बिलीव इट लेकिन डॉक्टर आरक्यू हर्ट को इस पे बिलीव नहीं था टू फाइंड द आंसर इ ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंस साइंस स्टूडेंट

किसी ऑर्नामेंटल के लिए नहीं है मतलब किसी सजावट के लिए नहीं है सुंदरता के लिए नहीं है वो एक हॉर्मोन है जो कि नेसेसरी है इम्पोर्टेंट है नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है बटरफ्लाई को पूरी तरह डेवलपमेंट करने के लिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट वॉन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर एंड एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर और ये प्रोजेक्ट में जो ये ब्राइट था उसने फर्स्ट प्लेस लिया किसमें काउंटी फेयर में और उसकी एंट्री किसमें हो गई एक इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में ठीक है देयर ही जहां पे उसने क्या जीता थर्ड प्लेस जीता किसमें जुलोजी में ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और जब उसने वो जीता तो उसे चांस मिला कहाँ काम करने का कहाँ चांस मिला था उसको लेबरेटरी में काम करने का द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और ये काम उसने कब किया था समर में जब उसकी समर में छुट्टियां थी एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचार्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनाश रूपा जैसे कि वो छोटे से जैसे कि वो अपनी एजिज बढ़ती जा रही थी उसकी वजह वो उसी रिसर्च पे उसी पे मोनार्च रूपा पे एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था मतलब कि उसे एक के बाद एक अचीवमेंट मिलती जा रही थी दैट ईयर दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर और वही प्रोजेक्ट उसने जो वो प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को पहला प्राइज मिला था फर्स्ट प्लेस पे आया था वो कहाँ पे द इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उसी की वजह से उसे किस में काम करने का चांस मिला था आर्मी लेबोरेटरी में और उसने कब किया था काम समर वेकेशन में जब उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ थी इन सीनियर ईयर ही स्टेप फर्दर अब वो जब बड़ी क्लास में हो गया अब क्या किया उसने ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अर्ज विंग्स इन अ कल्चर एंड शोड द सेल्स वुड डिवाइडेड एंड डेवलप इन नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स ओनली इफ दे वर फिट फेड द हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट अब जब वो दूसरी क्लास में सीनियर क्लास में चला गया तो उसने अब एक स्टेप आगे काम करना स्टार्ट कर दिया अब उसने क्या किया? कि जो मोनार्ज सेल की सेल्स थे ना उनको बढ़ाया कैसे एक मोनार्च की विंग ले ली यहाँ पे कल्चर का मतलब पता है क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से उस विंग जो मोनार्ज की विंग्स थी उनको बढ़ाया और क्या दिखाया जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं किसमें बटरफ्लाई विंग्स में और अगर हम उन्हें वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे वो हार्मोस खिलाएंगे तो वो अच्छे से बढ़ जाएंगे अच्छी अच्छी बर्ड्स बन जाएंगे दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर zoology एट इंटरनेशनल फेयर और अब इस प्रोजेक्ट ने जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में पहला स्थान पाया था मतलब फर्स्ट आया था ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द लेबोरेटरी किस लेबोरेटरी में किया था उसने काम अपने समर वेकेशन में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आर्मी लेबोरेटरी में एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और दूसरा किसमें क्या था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जब उसके एक ग्रेजुएशन खत्म हो गई अब उसने जब नया कॉलेज स्टार्ट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो उसने देखिए क्या करते हैं इब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड गोल्स यूजिंग लेबोरेटरीजो सफोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अब जो उसने दोबारा से कॉलेज ज्वाइन किया तो इब्राइट ने क्या किया दोबारा से वो उसी लेबोरेटरी में गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में और उसने जो हॉर्मोन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था उसी पे और ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया है अब वो क्या यूज करने लगा है सफोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बोला गया वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर और अब उसने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो हॉर्मोन्स है उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है अब क्या होता है ईयर एंड अ हाफ लेटर डिंग हिज जूनियर ईयर अब डेढ़ साल बाद जब रिचार्ड जूनियर ईयर में था तो क्या होता है देखिये आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और अब रिचार्ड को एक न्यू थ्योरी मिल गई है किसके बारे में आइडिया मिल गया है कौन सी न्यू थ्योरी के बारे में आइडिया मिल गया है सेल लाइफ के बारे में इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन और ये उसको कब मिला जब वो उस मोनार्क उस मोनार्क थी जो उसके एक्सरे एक्सरे के केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहा था वेन ही सो इवन आई और जब वो फोटोज उसने देखी इब्राइट ने उस केमिकल स्ट्रक्चर की उस एक्सरे को इब्राउट चिल्लाया नहीं था जैसे हम खुशी से चिल्लाने दे देते हैं कि ओ या हमें मिल गया है और जबकि उसे वो मिल भी गया था

डिस्कवरी किए जा रहा था एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा था उन फोटोज को देख उसे मिल गया था कि जो सेल्स का ब्लू क्या है DNA, उसमें उसने देख लिया था। डीएनए क्या होता है डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है और वो क्या कंट्रोल करता है इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल द द डीएनएज ऑफ लाइफ और वो डीएनए क्या करता है कि वो सेल किस फॉर्म का होगा और क्या फंक्शन करेगा और डीएनए क्या है ब्लू प्रिंट है किसका? का. And his college roommate. और उसका जो कॉलेज रूममेट था क्या नाम था उसका जेम्स आर वोंग वर्क ऑल दैट नाइट ड्यूरिंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन आप पूरी रात जो इब्राइट था और इब्राइट का रूममेट जेम्स आर वोंग वो उस पर काम करते रहे क्या करते रहे वो सारी रात वे पिक्चर्स बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे उसी मॉलिक्यूल पे और फिर उन्होंने क्या किया टुगेदर द लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी थे और उन्होंने उस अपनी थ्योरी को पेपर पे लिखकर एक्सप्लेन करा सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम रिचार्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाइएस्ट ऑनर्स अब ये कोई सरप्राइजिंग थिंग नहीं थी कि जो रिचार्ड है उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी अच्छे नंबर स्कोर किए हैं और वो क्या है पंद्रह सो दस बच्चों में रिचार्ड ने सेकेंड पोजिशन ली है तो ये कोई चौकाने वाली चीज नहीं थी क्योंकि सबको पता था रिचार्ड एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है साइंस का और अब जब ग्रेजुएट हो गया तो उसने क्या उसका क्या हुआ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर अब वो कहाँ है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर है कहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिस्स थ्योरी और वहां पे वो अब अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी थ्योरी के बारे में टेस्ट करता है इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ और अगर जो उसकी थ्योरी है वो करेक्ट प्रूव हो जाती है तो हमें किसकी तरफ एक स्टेप मतलब किसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे हमें पता चल जाएगा जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है वो कैसे हो रहा है हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे इट माइट ऑल्सो लिड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग समाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज और उसकी वजह से हमें कोई नए आइडियाज मिल जाएंगे कि हम उन डिजीज को और जो बहुत सारे कैंसरस हो रहे हैं उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंट करना मतलब कैसे हम उनसे बच सकते हैं ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ इब्राइटस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और ये सब किसकी वजह से हुआ था कि जो इब्राइट e. की जो लगन थी ना साइंस की तरफ उसकी वजह से हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द परपस ऑफ स्पोर्ट्स ऑन अ मोनाज बुपा इवेंजली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और उसकी जो ये रिसर्च थी कहाँ से शुरू हुई थी उसके हाई स्कूल से उसने कहा से स्टार्ट किया था वो जो स्पोर्ट्स थे मोनार्स के प्यपा पे उससे स्टार्ट किया था और अब वो कहाँ तक पहुंच चुका है सेल लाइफ तक अब क्या होता है रिचार्ड हैज़ बिन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज जो रिचार्ज का रिचार्ड का इंटरेस्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका जब उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज एन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट और लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि वो जो दूसरे इंटरेस्ट थे जिसमें वो दूसरे, अपने दूसरे काम करना बंद कर दे वह वो काम भी करता था अपने दूसरे इंटरेस्ट को भी पूरा करता था इल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइ एंड ऑल राउंडर आउटडोर्स पर्सन रिचार्ड एक सिर्फ इनमें ही काम नहीं करता था वो क्या क्या बना था एक अच्छा चैंपियन डिबेटर बन गया था पब्लिक स्पीकर बन गया था और एक गुड कैनोइस्ट कैनोइस्ट क्या होता है एक बोट होती है ना पत जो आगे से पतली होती है और पीछे से पतली होती है उसको बोलते हैं वो एक उसको चलाने वाला गुड कैनोइस्ट बन गया था मतलब वो ऑलराउंडर था वह सारे काम करता था ये नहीं है कि वो अगर एक्सपेरिमेंट्स में ही लगा हुआ है तो उसी में लगा हुआ है ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एक्सिप्ट और वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी बन गया था जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट था और वो किस पे करता था फोटोग्राफी नेचर पे और साइंटिफिक चीजों पे इन हाई स्कूल हाई स्कूल में रिचार्ड ई ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट मतलब जो हाई स्कूल में था रिचार्ड बिल्कुल ए ग्रेड का स्टूडेंट था मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट था बिकॉज लर्निंग बहुत ईजी उसके लिए याद करना बहुत ईजी था ही टर्न लोड ऑफ हिज एनर्जी टूअर्ड्स अ डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स और रिचार्ड ने अपनी एनर्जी मतलब अब वो किसकी तरफ जाने लगा था वो डिबेटिंग भी करने लगा था और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स की तरफ भी उसने अपनी एनर्जी डालने स्टार्ट कर दी थी मतलब उत्तर काम करना शुरू कर दिया था ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर रिचार्ड ए वेरियर अब एक उसे एक आद एक टीचर है या पता नहीं कौन है देखेंगे आगे कौन है ये रिचार्ड ए वेरियर ये इंसान उसे बहुत एडमायर करता था हिज सोशल स्टडीज टीचर कौन था ये उसका टीचर था किसका रिचर्ड का एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स और ये जो ये जो क्लब्स हैं ऊपर के डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स इनका क्या था वो टीचर एडवाइजर भी था मिस्टर वेरियर जो उसके मिस्टर वेरियर थे वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी कौन कह रहे हैं रिचर्ड कह रहे हैं कि वो मेरे लिए बहुत परफेक्ट पर्सन थे ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज इब्राइट ने क्या कहा कि उस, उन्होंने मेरे माइंड्स में नए नए आइडियाज डाले थे रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिस्टर वेरियर जो मिस्टर वेरियर है वो क्या कह रहे हैं कि रिचार्ड है ना हमेशा और बच्चे तो एफर्ट्स करते थे जो रिचार्ड है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता था व्हाट प्लीज मे वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट पुट इन थ्री और फोर आवर्स एट नाइट doing doing debate research research besides doing all his research with डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग्लाइज एंड वो क्या कह रहे हैं कि उसे किस चीज की खुशी होती थी कि जो रिचार्ड है वो एक ऐसा इंसान है जो तीन से चार घंटे तो रात को debate research में देता था और साथ ही साथ वह क्या करता था अपनी रिसर्च को भी करता था किस पे जो बटरफ्लाईज की रिसर्च थी ना पे भी काम करता था और अपने जो दूसरे इंटरेस्ट थे उनपे भी काम करता था मतलब की वो एक ही साइड नहीं करता था एक ही जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट ही करता रहेगा रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च ही करता रहेगा वो सारे काम करता था सब कामों को अलग अलग टाइम देता था और इसी चीज से जो मिस्टर वेरियर थे वो बहुत खुश होते थे रिचार्ड वॉज कम्पिटिटिव जो रिचार्ड था वो कंपटीशन के लिए तैयार था मतलब वह बहुत अच्छा स्टूडेंट था ना ये कौन बोल रहा है मिसेस वेरियर उसके सोशल साइंस के टीचर बट नॉट इन बैड सेंस लेकिन जो रिचार्ज था वो एक अच्छा कम्पिटिटर तो था लेकिन वो किसी बुरी सेंस में नहीं मतलब उसको ये नहीं था कि मुझे दूसरों को हराना है उसको ये था कि मुझे कुछ करना है ही एक्सप्लेन रिचार्ज वॉजन इंटरेस्ट इन विनिंग फॉर विनिंग शेको और विनिंग टू गेट अ प्राइज जो रिचार्ड था वो जीतने के लिए सब नहीं करता था उसका इंटरेस्ट ये नहीं था कि मुझे प्राइज जीतना है तो मैं उसके लिए वो करूंगा रास्ट जॉब वो किसके लिए करता था कि मुझे वो काम करना है, और वो बिल्कुल बेस्ट होता था फॉर द राइट रीजन और बिल्कुल राइट right रीजन के लिए होता था ही वॉन्स टू बी बेस्ट क्योंकि वो वो काम अच्छा करना चाहता था और वो काम करता भी था अच्छा और जीतता भी था एंड दैट इज वन ऑफ द ingredient इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जैसे कि हमने देखा है चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट तो क्या बता रहे यहाँ पे कि अगर साइंटिस्ट बनना है तो यही सब था उसका इंग्रेडिएंट. मतलब जैसे कि जो रिचार्ड था वो अपने काम को क्यूरसिटी के साथ करता था उसका जो माइंड था वो बिल्कुल एरेटेड था मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था स्टार्ट विद द फर्स्ट एड माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इल The will to win. और यहाँ पे विल क्या होता है मतलब इच्छा खुद की इच्छा होनी चाहिए उसको करने के लिए क्यूरियसिटी होनी चाहिए हमें उस चीज की तरफ लगन होनी चाहिए और फर्स्ट एट माइंड होना चाहिए मतलब हमारा दिमाग बहुत अच्छे से चलना चाहिए फॉर द राइट रीजनस इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज और इब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज थी फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम और जो ये बुक किसने ला कर दी थी इब्राइट को उसकी मम्मी ने और ये उसके साथ कब हुआ था जब उसने वो बुक पढ़ी थी तो वो बुक पढ़ने के बाद मोनार्क मोनार्क जिसमें उसने मोनार्क का एक्सपेरिमेंट भी किया था सारे काम किए थे ये बुक पढ़ने के बाद उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसा वर्ल्ड उसके लिए खुल गया एक ऐसा वर्ल्ड ऑफ साइंस उसके लिए खुल गया जो कि इब्राइट इतने सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स कर पाया रिचार्ड इब्राइट हैज नेवर नेॉस्ड हिज साइंटिफिक क्यूरियसिटी और रिचार्ड ने कभी भी अपनी वो जो साइंस की तरफ लगन थी वो नहीं खोई ये था हमारा चैप्टर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा